केंद्रीय सिविल सेवाएं आचरण नियमावली 1964 का प्रस्तुतीकरण, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर कार्यालय की टीम द्वारा एक ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से किया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन डॉक्टर भुवनेश कुमार वर्मा भारतीय रक्षा लेखा सेवा के द्वारा किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में संकाय के रूप में हैं श्री विजय कुमार मिश्र, श्रीमती हर्षिता के गुप्ता, श्री एसएस राठौर, श्रीमती सुचेता एवं श्रीमती प्रिया मित्तल। डिस्क्लेमर, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर कार्यालय द्वारा निर्मित केंद्रीय सिविल सेवाएं आचरण नियमावली 1964 पर यह डॉक्यूमेंट्री केंद्रीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए है। संकाय के द्वारा प्रदत्त जानकारी को प्राधिकार के रूप में उद्धृत नहीं किया जाए, असमानता एवं संशय की स्थिति में केवल केंद्रीय सिविल सेवाएं आचरण नियमावली 1964 और संबंधित सरकारी आदेशों का ही संदर्भ लिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अर्थात केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964, जिसे अंग्रेजी में सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 या सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 कहते हैं, पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह डॉक्यूमेंट्री केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों, विशेषकर नए भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए अत्यंत उपयोगी व मार्गदर्शक सिद्ध होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के कुछ निश्चित कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां होती हैं तथा कुछ अपेक्षाएं सरकारी पद के अनुरूप भी निर्धारित होती हैं, जो कि किसी भी सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही शुरू हो जाती हैं। सरकारी सेवा की शुरुआत करने के साथ ही प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह स्वयं के लाभ के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए आचरण नियमों से खुद को भली भांति अवगत कराए, ताकि किसी भी समय अनजाने में भी आचरण नियमों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचे रह सकें। आचरण नियम सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 से लिए गए हैं, जहां यह निर्दिष्ट किया गया है कि संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को सरकार द्वारा विनियमित अर्थात रेगुलेट किया जा सकता है। श्री के संथानम की अध्यक्षता में गठित भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवाएं आचरण नियमावली 1964 अधिसूचित की गई थी। इस संबंध में मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 में सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी सेवा में एवं अपने निजी जीवन में किए जाने वाले आचरण के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है, जबकि सीसीएस रूल्स 1965 में आचरण नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से इन नियमों, उपनियमों तथा उनसे संबंधित विभिन्न भारत सरकार के निर्णयों GIDs के बारे में जानेंगे। इन नियमों के कई उपबंध संशोधित किए गए हैं एवं अनेक स्पष्टीकरण भी जारी किए गए हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। इस आचरण नियमावली का प्रस्तुतीकरण हमारे कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर की टीम द्वारा किया जा रहा है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं आचरण नियमावली के नियमों की। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के अंतर्गत कुल 25 नियम हैं। सर्वप्रथम सीसीएस कंडक्ट रूल्स का प्रथम नियम। इन नियमों के लागू होने का समय तथा यह नियम किन कर्मचारियों या अधिकारियों के ऊपर लागू होता है के संबंध में है। यह नियम केंद्रीय सिविल सेवाएं आचरण नियमावली 1964 कहलाएंगे। यह नियम भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन द्वारा 30 नवंबर 1964 को नोटिफाई किए गए थे तथा इन्हें भारत सरकार के गजट में 12 दिसंबर 1964 को प्रकाशित किया गया। ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जहां तक इन नियमों की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात है, तो यह नियम संघ के कार्यों से संबंधित सिविल सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे, जिसमें कि रक्षा सेवा सिविलियन
तथा भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारी अधिकारीगण भी सम्मिलित हैं। इन नियमों के केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर लागू होने के संबंध में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे ये आचरण नियम ऐसे कार्मिकों जो भारतीय रेल अधिनियम 1890 के अनुसार रेल सेवा के अंतर्गत आते हैं या ऐसे व्यक्ति जो रेलवे बोर्ड में पद धारण किए हुए हैं पर लागू नहीं होंगे। रेल सेवा के कार्मिकों पर रेल सेवा आचरण नियम 1966 लागू होते हैं। साथ ही अखिल भारतीय सेवाएं जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा शामिल हैं के अधिकारियों पर भी यह नियम लागू नहीं होते। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 के अधीन आते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे किसी सरकारी पद धारक पर भी यह नियम लागू नहीं होंगे जिसके संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दिया हो कि यह नियम उन पर लागू नहीं होंगे। सीसीएस कंडक्ट रूल्स के नियम 2 में इन नियमों में उपयोग किए जाने वाले टर्म्स को परिभाषित किया गया है। इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, सरकार से अभिप्राय केंद्र सरकार है, सरकारी सेवक से अभिप्राय ऐसा कोई व्यक्ति किसी सिविल सेवा में या संघ के कार्यों से संबंधित किसी पद पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त है, जिसमें कि रक्षा सेवाओं में नियुक्त सिविलियन कर्मचारी अधिकारीगण भी शामिल हैं। सरकारी सेवक में वे कार्मिक भी सम्मिलित होंगे जिनकी सेवाएं सरकार ने किसी कंपनी, निगम, संगठन या स्थानीय प्राधिकरण के सुपुर्द कर दी हैं, उसे इस बात के होते हुए भी कि उसका वेतन भारत की संचित निधि से भिन्न स्रोतों से लिया जाता है। इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार के अधीन सेवा करने वाला सरकारी कर्मचारी ही माना जाएगा। सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य के रूप में सरकारी कर्मचारी की वैधानिक पति या पत्नी शामिल माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी के पुत्र एवं पुत्री तथा ऐसे सौतेले पुत्र एवं सौतेली पुत्री भी शामिल हैं जो सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों। कोई अन्य व्यक्ति जिसका सरकारी कर्मचारी अथवा सरकारी कर्मचारी की पति या पत्नी के साथ रक्त का या विवाह का संबंध है और वह सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित है, वह भी सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य के रूप में माना जाएगा। आइए अब हम चलते हैं नियम 3 की ओर, जो कि समस्त आचरण नियमों में से बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। नियम 3 में समस्त कार्मिकों हेतु सामान्य आचरण के नियम व्यक्त किए गए हैं। यह नियम इस संबंध में है कि सरकारी कर्मियों को सरकारी सेवा के दौरान अपने या निजी जीवन में भी किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, अपने सरकारी दायित्वों के निर्वहन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सरकार की उनसे क्या अपेक्षा है इत्यादि। नियम 3 के उपनियम 1 के अंतर्गत कुल 21 सामान्य आचरण नियम हैं, जिसमें से उपनियम 4 से 21 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के द्वारा 27 नवंबर 2014 के नोटिफिकेशन द्वारा CCS कंडक्ट रूल्स 1964 में बाद में शामिल किया गया है। तो यह नियम इस प्रकार है। पहला उपनियम बताता है, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहना होगा, अर्थात प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने पद के अनुकूल सरकार द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे लगन, सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निभाना होगा। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर समय कर्तव्य परायण रहेगा, अर्थात अपने पद से संबंधित जिम्मेदारियों का निर्वहन तत्परता एवं ईमानदारी से करेगा। उपनियम 3, वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो उसके लिए अशोभनीय हो। प्रत्येक कर्मचारी संविधान को सर्वोपरि रखेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध रहेगा। उपनियम 5 के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी भारत राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता, एकता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करेगा तथा सामाजिक शिष्टता एवं नैतिकता की मर्यादा को हमेशा बनाए रखेगा। उपनियम 6, प्रत्येक कर्मचारी न सिर्फ अपने सरकारी कार्यों के निष्पादन के दौरान बल्कि अपने निजी जीवन में भी उच्च नैतिक मानकों का पालन करेगा और ईमानदारी को बनाए रखेगा। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी राजनीतिक
तटस्थता बनाए रखेगा, अर्थात अपने सरकारी कार्य निष्पादन के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को किसी भी प्रकार का फेवर नहीं करेगा। चुनाव ड्यूटी आदि के दौरान प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य संपन्न करे। उपनियम 8 बताता है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों अर्थात जो कार्य सरकारी सेवा के दौरान उसे जिम्मेदारी के रूप में सौंपे गए हैं के निर्वहन में योग्यता, ईमानदारी और निष्पक्षता के सिद्धांतों को हमेशा बढ़ावा देगा। अगला उपनियम, प्रत्येक सरकारी सेवक अपने द्वारा किए गए कार्यों के प्रति जवाबदेह होगा तथा उनसे सरकार यह भी अपेक्षा रखती है कि वे अपने कार्यों में सदैव पारदर्शिता बनाए रखेंगे। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने कार्य के दौरान जनता विशेषता कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील बना रहेगा, अर्थात उनसे आम जनों के प्रार्थना पत्रों या समस्याओं पर यथोचित ध्यान देकर त्वरित कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है। उपनियम 11, जिसके अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जनता के साथ शिष्ट एवं सद्व्यवहार बनाए रखना होगा, अर्थात जो कर्मचारी लोक सेवा में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं वे जनता के साथ शिष्टता व मधुरता से पेश आएंगे एवं उनके वैधानिक कार्य संगत नियमों के अनुसार तत्परता से सुनिश्चित करेंगे। वह पदीय हैसियत से कोई भी निर्णय लेने के दौरान सिर्फ और सिर्फ लोक हित सर्वोपरि रखेगा। अपने पद के प्रभाव का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करने की स्पष्ट मनाही है। देश के सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग कार्य कुशलता, मितव्ययिता और प्रभावी ढंग से करेगा और करवाएगा भी। अगला उपनियम 13, जिसके अनुसार अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान यदि किसी कर्मचारी के निजी हित बीच में आते हैं तो वह अपने विभाग में उचित स्तर पर अपने निजी हितों के बारे में सूचित करेगा और इस संबंध में विभाग द्वारा निर्दिष्ट आदेशों का पालन करेगा। अपने पद का उपयोग निजी लाभ के लिए कदापि नहीं करेगा। किसी अंतर्विरोध अर्थात कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में समाधान करने के लिए ऐसे कदम उठाएगा जिससे लोक हित की रक्षा होती हो। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही वी द पीपल ऑफ इंडिया अर्थात हम भारत के लोग से हुई है, अर्थात भारतीय संविधान में देश की जनता या लोक हित को ही सर्वोपरि माना गया है। अगले उपनियम 14 के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी व्यक्ति अथवा संगठन से किसी प्रकार का आभार, आतिथ्य, उपहार आदि स्वीकार नहीं करेगा जो कि उसके सरकारी कार्य निष्पादन पर प्रभाव डालने का कारण बन सके। अगले उपनियम के अनुसार सिविल सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही स्वयं के लिए या अपने परिवार के लिए या मित्रों के लिए कोई वित्तीय एवं भौतिक संसाधन के रूप में लाभ प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय लेगा। अगले उपनियम 16 के अनुसार कोई भी संस्तुति, चयन या निर्णय सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर ही करेगा। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह जाति, धर्म या लिंग संबंधी कोई भी भेदभाव किए बिना ईमानदारी एवं निष्पक्षता से कार्य करे, विशेषकर समाज के गरीब एवं सुविधाओं से वंचित वर्गों के प्रति निष्पक्ष होकर कार्य करे। उपनियम 18 के अनुसार किसी कानून, नियम, विनिमय एवं स्थापित परिपाटियों अर्थात एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस के विरुद्ध कोई कार्य करने से प्रत्येक कर्मचारी अपने को दूर रखेगा। अगले उपनियम के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी शिष्टता एवं अनुशासन के साथ अपनी जिम्मेदारियों एवं पदीय कर्तव्यों का पालन करेगा। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, नियमों और विधि सम्मत आदेशों लॉफुल ऑर्डर्स का पूर्णतः पालन करेगा। अगला उपनियम 20 है, जिसके अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों अर्थात ऑफिशियल ड्यूटीज का निर्वहन करते हुए उस समय में लागू कानून में की गई अपेक्षा के अनुसार गोपनीयता बनाए रखेगा, अर्थात ऐसी सूचना जिसे बताने से भारत की अखंडता, सुरक्षा, राष्ट्र के रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरणा मिलती हो या किसी व्यक्ति को अवैध या गैर कानूनी लाभ होता हो तो उस सूचना को गोपनीय बनाए रखेगा। अगले उपनियम के अनुसार
प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी उच्चतर पेशेवर योग्यता और समर्पण के साथ करेगा। अगला उपनियम है 3.2, जिसके अनुसार सुपरवाइजरी पोस्ट पर कार्य करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपने अधीन कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा। सरकारी कर्मचारी हर परिस्थिति में बिना किसी से प्रभावित हुए अपने सर्वोत्तम विवेक एवं बुद्धि से कार्य करेगा। जहां तक संभव हो वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश लिखित रूप से देंगे। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को अपने वरिष्ठ पदाधिकारी से मौखिक रूप से निर्देश प्राप्त होता है तो वह उसकी यथाशीघ्र लिखित रूप से पुष्टि करा लेगा। नियम 3 का तत्परता एवं शिष्टाचार के संबंध में है। इसके अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निष्पादन में अशिष्ट एवं असभ्य व्यवहार नहीं करेगा, साथ ही उसे दिए गए काम को करने में अनावश्यक देरी भी नहीं करेगा। नियम 3 खा जो कि सरकारी नीतियों के पालन के संबंध में है, जिसके अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सदैव विवाह की आयु, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत से संबंधित सरकार की जो भी नीतियां हैं वह उन नीतियों का पालन करेगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम संबंधी सरकार की नीतियों का पालन सुनिश्चित करेगा। अगला नियम है 3 का, जो कि कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध के संबंध में है। इसके अनुसार कोई भी सरकारी सेवक किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी किसी कार्य में लिप्त नहीं होगा। लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निंदनीय कार्य एवं व्यवहार सम्मिलित हैं, जैसे कि शारीरिक संपर्क करना, लैंगिक पक्षपात की मांग करना, लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति का दूसरा कोई निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकारी सेवा में लैंगिक आधार पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना या फिर देने का वादा करना या फिर डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट देना या फिर कार्य में हस्तक्षेप करना, शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण पैदा करना, अपमानजनक आचरण करना भी लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। कार्यस्थल से यहाँ अभिप्राय सिर्फ निजी कार्यालय ही नहीं है, अपितु कोई भी सरकारी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है या सरकार की निधियों से पोषित होता है वह कार्यस्थल की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अस्पताल, नर्सिंग होम, निवास गृह, प्रशिक्षण एवं खेलकूद की गतिविधियों से जुड़े खेलकूद संस्थान, स्टेडियम आदि भी कार्यस्थल की श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक सरकारी सेवक जो कि कार्यस्थल का प्रभारी है अपने कार्यस्थल पर किसी भी महिला का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित कदम उठाएगा। अभी तक आपने नियम 1 से 3 को जाना, आइए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से इन्हें और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या सरकारी कर्मचारी हेतु विनिर्दिष्ट आचरण नियम संविधान के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रदत्त मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं? इस संबंध में कुछ कार्मिकों द्वारा यह शंका व्यक्त की गई है कि केंद्रीय आचरण नियम भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार यह समझना आवश्यक है कि सरकार और एक सिविल कर्मचारी के बीच संबंध एक संविदा का आधार पर है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। चूंकि व्यक्ति स्वेच्छा से सरकारी सेवा चुनते हैं, अतः सरकारी सेवा से जुड़े आचरण नियम भी निजी हित में स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। अतः इस प्रकार इन नियमों के कार्यान्वयन को मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न, अनुशासनात्मक कार्रवाई अर्थात डिसिप्लिनरी एक्शन और प्रशासनिक कार्रवाई अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में क्या फर्क है? प्रशासनिक कार्रवाई या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जैसे अनरिकॉर्डेड वार्निंग, रिकॉर्डेड वार्निंग, रिप्रिमेंड, एडमोनिशन, एडवाइजरीज आदि अनौपचारिक कार्रवाई है जो सरकारी कर्मचारी को दक्षता बढ़ाने या अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से किसी भी छोटी से छोटी चूक के प्रति सावधान करने के लिए जारी की जाती हैं, जबकि अनुशासनात्मक कार्रवाई
या डिसिप्लिनरी एक्शन मेजर या माइनर पेनल्टी के रूप में लिए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन किसी कर्मचारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिए जा सकते हैं, जबकि डिसिप्लिनरी एक्शन अपॉइंटिंग अथॉरिटी या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा ही लिए जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के अंतर्गत जब तक कि उनमें स्पष्ट रूप से ऐसा उल्लिखित न किया गया हो, पदोन्नति आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। अब प्रश्न है कि सरकारी कार्य में अपने उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए मौखिक आदेशों का क्या महत्व है। आचरण नियमों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि जहां तक संभव हो अपने अधीनस्थों को मौखिक अनुदेश ना दें। कोई भी सरकारी कर्मचारी उस परिस्थिति के सिवाय जब वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के अधीन कार्य कर रहा हो अपनी शासकीय कर्तव्यों के पालन में या उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अपने सर्वोत्तम विवेक से अन्यथा कार्य नहीं करेगा, और जहां वह ऐसे निदेशाधीन कार्य कर रहा हो वहां वह जहां कहीं भी व्यवहार्य हो लिखित रूप से निर्देश प्राप्त करेगा। जहां ऐसे निर्देश लिखित रूप से प्राप्त करना व्यवहार नहीं है तो वहां वह निर्देश की लिखित रूप में पुष्टि तत्पश्चात यथाशीघ्र प्राप्त करेगा। अगला प्रश्न है कि क्या ये आचरण नियम माननीय मंत्रियों के निजी स्टाफ के रूप में कार्यरत व्यक्तियों पर भी लागू होंगे। इस संबंध में DOPT द्वारा 14 जनवरी 1994 को अनुदेश जारी किए गए हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि माननीय मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव के निजी स्टाफ के रूप में नियुक्त कार्मिकों की सेवा अवधि माननीय मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव के कार्यालय की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाती है, तथापि जब तक कोई सरकारी कर्मचारी सिविल पदों पर सरकारी सेवा में रहेंगे तब तक CCS कंडक्ट रूल्स 1964 के नियम 1 के उपनियम 3 के अनुसार आचरण नियमों के अधीन रहेंगे। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन काल अर्थात लंच पीरियड या कार्यालय समय के पश्चात कार्यालय भवन में कोई खेल खेले जाने के बारे में क्या कोई विशेष अनुदेश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11 अगस्त 1967 के अनुसार मध्याह्न भोजन काल के दौरान सरकारी कर्मचारियों द्वारा शालीनता बनाए रखना है, निर्धारित मध्याह्न भोजन काल से अधिक समय तक खेल खेलना और गार्डन या खुले परिसर में ताश आदि खेलना वर्जित है। केवल मनोरंजन कक्षों में या इसके लिए अनुमोदित स्थानों पर लंच पीरियड में ही ताश या अन्य खेल खेले जा सकते हैं। टूर्नामेंट आदि जैसे विशेष अवसरों के सिवाय शाम को 7 बजे के बाद कार्यालय भवनों के कमरों में होने वाले खेल न खेले जाएं। अगला प्रश्न है कि क्या सरकारी कर्मचारी के शहर या मुख्यालय छोड़ने से पूर्व पूर्वानुमति लेना आवश्यक है और क्यों। इस संबंध में आपका ध्यान फंडामेंटल रूल्स के नियम 11 के उपबंधों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था दी गई है कि जब तक किसी मामले में विशेष रूप से उपबंधित ना हो सरकारी कर्मचारी पूरे समय उस सरकार के नियंत्रणाधीन होगा जिससे वह वेतन प्राप्त करता है। इन उपबंधों में स्पष्ट किया गया है कि शहर छोड़ने की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है। यदि उसने अपने अवकाश प्रार्थना पत्र में शहर या मुख्यालय छोड़ने की इच्छा और छुट्टी के दौरान का पता बता दिया है तो उसे अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही किसी भी विदेश यात्रा की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि क्या आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करना आवश्यक है। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 नवंबर 2014 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए हस्तचलित प्रणाली के स्थान पर AEBAS अर्थात आधार समर्थित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किया जाना अनिवार्य किया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को केवल एक समर्थकारी मंच स्वीकार करने के साथ साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्यालय के घंटों, देरी से हाजिरी इत्यादि से संबंधित अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक दिन देर से कार्यालय आने के लिए आधे दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा, परंतु एक घंटे तक देर से आने को
वह भी एक माह में दो अवसरों से अधिक नहीं होने पर तथा उचित कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा माफ किया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश काटने के अतिरिक्त आदतन विलंब से आने वाले सरकारी कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। निर्धारित समय से पूर्व कार्यालय छोड़ने पर भी विलंब से आने के समान ही उसी रीत से कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। अब मैं आगे के नियमों की जानकारी के लिए श्रीमती सुचेता को आमंत्रित करता हूं। आइए अब जानते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 का नियम 4, जो कि सरकारी कर्मचारियों के निकट संबंधियों की कंपनियों या फर्मों में नियुक्ति से संबंधित है। इस नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना पद अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी फर्म या कंपनी में रोजगार दिलाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। कोई भी ग्रुप ए ऑफिसर अपने आश्रितों को सरकार की अनुमति के बिना किसी भी ऐसी कंपनी में जिससे उसका पदीय व्यवहार हो में रोजगार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा, बशर्ते कि जब रोजगार की स्वीकृति जरूरी है तो इस मामले की रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी और यह रोजगार सरकार की अनुमति के अधीन रहेगा। आगे यह नियम बताता है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा ऐसे रोजगार को प्राप्त करने के बारे में ज्ञात होता है तो वह इसके बारे में सरकार को सूचित करेगा तथा यह भी बताएगा कि उस कंपनी के साथ सरकारी कर्मचारी के शासकीय संबंध है या रहा हो। आगे उपनियम 3 के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य किसी कंपनी या फर्म में नियुक्त हो या उस कर्मचारी के अधीन नियुक्त हो तो वह सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के उस सदस्य को या उस फर्म या उस कंपनी में कार्यरत किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार के ठेके की मंजूरी नहीं दे सकता और साथ ही साथ उस फर्म या कंपनी के किसी भी प्रकार के मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। और यदि ऐसा होता है तो उस सरकारी कर्मचारी को ऐसे केसेस के बारे में अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताना चाहिए और यह रिकमेंडेशन करना चाहिए कि इस मामले को अन्य अधिकारी को सौंप दिया जाए। आइए अब बात करते हैं आचरण नियम 5 के बारे में, जो कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के राजनीति और चुनावों में भाग लेने से संबंधित है। यह नियम बताता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन या अन्य गतिविधियों में जैसे चंदा देना में सहायता नहीं कर सकता है तथा किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के साथ संबंध नहीं रख सकता है। आगे इस नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी ना तो स्वयं और ना ही अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसे आंदोलन या गतिविधियों में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार के प्रति विद्रोह की भावना पैदा करती हो में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसके परिवार का कोई सदस्य ऐसी गतिविधियों में ना तो चंदा दे और ना ही अन्य प्रकार की सहायता करे, और यदि ऐसा करने में वह असमर्थ हो तो उसे सरकार को इसकी सूचना देनी चाहिए। उपनियम 3 के अनुसार राजनीतिक दल या आंदोलन की स्थिति के बारे में संदेह होने पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा। आगे यह नियम बताता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी भी राजनीतिक चुनाव, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव हो, में भाग लेने से मनाही है, परंतु यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी चुनाव में मतदाता है तो वह अपने मत देने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है, परंतु इसमें वह अपना मतदान गोपनीय रखेगा। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की चुनाव में ड्यूटी लगाई हो तो चुनाव के संचालन में सहायता करना उपबंधों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने आवास या वाहन पर किसी भी राजनीतिक चुनाव चिन्हों का प्रयोग नहीं करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी के पास प्रेस के माध्यम से पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिनके द्वारा वह विभिन्न राजनीतिक दलों के उद्देश्यों, लक्ष्यों और गतिविधियों के बारे में खुद को अवगत करा सकता है। इसीलिए उसको राजनीतिक जनसभाओं में नहीं जाना चाहिए या उन्हें अवॉइड करना चाहिए। साथ ही सरकारी कर्मचारी को चुनाव में ड्यूटी के दौरान निष्पक्ष रहना चाहिए।
आइए आप जानते हैं आचरण नियम 6 के बारे में। नियम 6 के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसे किसी भी संगठन जिनका उद्देश्य या गतिविधियां भारत की सत्ता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हो में किसी भी रूप में शामिल नहीं होगा, परंतु सरकारी कर्मचारी सेवा से संबंधित संघों के पोस्टर या अन्य कोई नोटिस ऐसी जगह जो ऐसे कार्यों के लिए डिसाइड की गई हो सक्षम अधिकारी की अनुमति के साथ प्रदर्शित कर सकता है। आइए अब बात करते हैं आचरण नियम 7 के बारे में, जो कि प्रदर्शन व हड़तालों से संबंधित है। इस नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के खिलाफ भाग नहीं लेगा या ऐसे मामलों में प्रदर्शन नहीं करेगा जिसमें अदालत की अवमानना, मानहानि या लोगों को उकसाना शामिल हो। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की हड़ताल या प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। आगे यह नियम स्पष्ट करता है कि सरकारी कर्मचारी जो किसी सेवा मामलों से संबंधित संस्था के किसी पद पर कार्यरत हो या सदस्य हो तो उसे उस संस्था से जुड़े किसी भी प्रतिनिधित्व या अन्य मामलों में स्वयं पदीय हैसियत से कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। इस नियम के अनुसार कर्मचारियों के लिए एक समूह द्वारा काम को रोकना या काम को धीमा करना हड़ताल माना जाएगा। सामूहिक अनुपस्थिति जिसे मास कैजुअल लीव भी कहते हैं को भी स्ट्राइक माना जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर ओवरटाइम करने से मना करना या सार्वजनिक हित में ओवरटाइम करने से मना करना भी हड़ताल माना जाएगा। गो स्लो, सिट डाउन, पेन डाउन, स्टे इन, सिंपैथेटिक, किसी बंद या आंदोलन में भाग लेना या कार्य से अनुपस्थित रहना भी स्ट्राइक माना जाएगा। और आइए अब बढ़ते हैं आचरण नियम 8 की ओर, जो कि रेडियो या प्रेस से संबंध रखने के बारे में है, जिसके अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना अखबार या अन्य प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी प्रकार की गतिविधि में सम्मिलित नहीं होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सार्वजनिक जन प्रचार कर सकता है तथा भाग से संबंधित पुस्तक भी प्रकाशित कर सकता है। और आइए आप प्रकाश डालते हैं आचरण नियम 9 पर, जो कि शासन की आलोचना ना करने से संबंधित है। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या यह सोशल मीडिया हो, में स्वयं के नाम से या छद्म नाम से केंद्र या राज्य सरकार की किसी नीति या वर्तमान अधिसूचना की आलोचना नहीं करेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी रेडियो प्रसारण में या किसी भी समाचार पत्र में कोई कथन या राय नहीं देगा जिसका असर केंद्र या राज्य सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालता हो। हालांकि किन्हीं सरकारी सेवा शर्तों को सुरक्षित रखने या उसमें सुधार लाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी के रूप में वास्तविक अभिव्यक्ति की जा सकती है। कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसे बयान नहीं देगा जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ अन्य देशों की सरकार के संबंधों के विपरीत हो या उन पर प्रभाव डाल सकता हो। केवल सरकारी कर्मचारी अपनी आधिकारिक क्षमता के निहित या कर्तव्यों के अंतर्गत ही अभिव्यक्ति कर सकता है। आइए अब प्रकाश डालते हैं आचरण नियम 4 से नियम 9 तक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सरकारी कर्मचारियों के अपने आश्रित पारिवारिक सदस्यों के अलावा अन्य निकट संबंधियों के संबंध में किसी कंपनी या फर्म में नियुक्ति संबंधी सूचना या अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। यह प्रश्न नियम 4 से संबंधित है। इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 20 जुलाई 2016 में यह स्पष्ट किया है कि आचरण नियम 1964 नियम 2 के अनुसार परिवार के सदस्य की परिभाषा उपखंड ग नियम 2 के प्रसंग में भिन्न हो सकती है। नियम 4(1) और 4(3) के प्रसंग में सरकारी कर्मचारी से संबंधित परिवार का सदस्य में धर्मपत्नी अथवा पति, पुत्र अथवा पुत्री, माता पिता, भाई बहन अथवा रक्त या विवाह से उनसे जुड़ा कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है, भले ही वह सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हो या नहीं। अगला प्रश्न है कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी
किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों में जाएं तो क्या उक्त कर्मचारी का राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना माना जाएगा? यह प्रश्न आचरण नियम 5 से संबंधित है, जिसके अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक पार्टियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों में या जनसभाओं में भाग लेता है तो ऐसी सार्वजनिक या निजी बैठक में भाग लेना प्रतिबंधित है। साथ ही साथ बैठक किसी भी निषेधात्मक आदेश के विपरीत आयोजित नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न है कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी भारत विदेशी सांसद संगठनों में भाग ले सकता है? भारत सरकार का विचार है कि भारत सेवक समाज के गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक स्वरूप को देखते हुए सरकारी कर्मचारी यदि चाहे तो संस्था का सदस्य बन सकता है और इसकी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, किंतु इससे उनके कार्यालय के सामान्य कार्य में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी पुस्तक प्रकाशित कर सकता है क्या? यह प्रश्न नियम 8 से संबंधित है, जिसके अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी पदीय हैसियत यानी ऑफिशियल कैपेसिटी के अलावा कोई पुस्तक प्रकाशित करता हो तो उसे सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी, जिसके लिए स्वीकृति देने की सीमा समय सीमा 30 दिन की है। परंतु आकाशवाणी के कार्यक्रम में भाग लेने और उनके लिए मानदेय प्राप्त करने के संबंध में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। और अब आगे के आचरण नियम की जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री एसएस राठौर जी को। आइए अब हम आचरण नियमावली 1964 के नियम 10 से 15 तक के बारे में जानते हैं। नियम 10 किसी भी समिति अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य देने के बारे में है। इस नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली पूछताछ के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा। यदि साक्ष्य देने की अनुमति दी गई हो तो वह साक्ष्य देते समय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी नीति या कार्रवाई की आलोचना नहीं करेगा। इस नियम में दी गई कोई भी बात कुछ स्थितियों में लागू नहीं होगी, जैसे सरकार, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष या किसी न्यायिक जांच या किसी विभागीय जांच में साक्ष्य प्रस्तुत करते समय सरकारी कर्मचारी को सरकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस नियम के तहत सरकार द्वारा कुछ अनुदेश जारी किए गए हैं, जैसे संसदीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत होते समय गवाह को अध्यक्ष तथा समिति को उचित सम्मान देना चाहिए, अपनी सीट से खड़े होकर अपना उत्तर देना चाहिए, प्रस्तुतिकरण शिष्ट एवं विनम्र भाषा में होना चाहिए, गवाह को ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करना या घुमा फिरा कर बातें करना अथवा समिति को गुमराह करना संसद का विशेषाधिकार हनन तथा अवज्ञा मानी जाएगी। अगला नियम 11 सरकारी सूचना के आदान प्रदान के संबंध में है। इसके अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या वर्गीकृत जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा, लेकिन ध्यान रहे प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्यों का सद्भाव पूर्वक पालन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का पालन करना अनिवार्य होगा एवं इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को सूचना प्रदान करेगा। सभी सरकारी कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वे सभी गोपनीय सूचनाओं को सुरक्षित एवं गुप्त रखें। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को कोई भी दस्तावेज या सूचना जो उसे सरकारी ड्यूटी पर काम के दौरान मिली हो तो वह इन्हें प्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या समाचार पत्रों तक नहीं पहुंचा सकता। सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसे दस्तावेजों या सूचना को अपने पास रखना न केवल आपत्तिजनक है बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 5 के अनुसार यह एक अपराध है। अगला नियम 12 चंदे से संबंधित है। इस नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना
कोई चंदा नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा, यानी किसी भी उद्देश्य से निधि इकट्ठी करने में अपना सहयोग नहीं देगा, चाहे वह नकदी के रूप में हो या सामग्री के रूप में। इस नियम के तहत भारत सरकार ने कुछ सार्वजनिक निधियों हेतु चंदा इकट्ठा करने की छूट प्रदान की है, जैसे राष्ट्रीय रक्षा कोष, झंडा दिवस एवं धर्मार्थ या किसी परोपकारी निधि में चंदा दिया जा सकता है। अगला नियम 13, सरकारी कर्मचारी द्वारा गिफ्ट यानी उपहार लिए जाने के बारे में है। कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई भी उपहार न तो स्वयं स्वीकार करेगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को या अपनी जगह काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को स्वीकार करने की अनुमति देगा। यहां उपहार का अभिप्राय निशुल्क परिवहन, भोजन, आवास या कोई अन्य सेवा या किसी निकट संबंधी या मित्र को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया धन संबंधी लाभ शामिल है। कभी कभार किए गए भोजन, लिफ्ट लेने या अन्य सामाजिक आतिथ्य स्वीकार करने को उपहार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी व्यक्ति या किसी औद्योगिक संगठन की ओर से बहुत अधिक या बार बार आतिथ्य स्वीकार करने से बचना चाहिए। उपनियम 2 के तहत सरकारी कर्मचारी अपने निकट संबंधियों से विवाह, वार्षिक उत्सव, दाह संस्कार जैसे अवसरों पर धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुसार उपहार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उपहार के मूल्य की सीमा तय की गई है। ग्रुप ए, बी एवं सी पद के कर्मचारियों के लिए क्रमशः 25,000 रुपए, 15,000 रुपए एवं 7,500 रुपए तक के उपहार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक मूल्य का उपहार स्वीकार करने पर उन्हें इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। उपनियम 3 के अनुसार किसी भी अन्य मामले में यह मूल्य सीमा ग्रुप ए एवं बी के सरकारी कर्मचारी हेतु 5,000 रुपए एवं ग्रुप सी के कर्मचारी के लिए 2,000 रुपए है। सरकारी कर्मचारी विदेशी प्रतिनिधियों से उपहार स्वीकार कर सकता है, चाहे वह किसी प्रतिनिधि मंडल में शामिल है या नहीं है, किंतु एक बार में प्राप्त किए गए ऐसे उपहारों का बाजार मूल्य 1,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी ऐसी किसी विदेशी फर्म से कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा जिसके साथ भारत सरकार संविदा तय कर रही हो अथवा जिससे उसके कार्यालय संबंध होने की संभावना हो। सरकारी कर्मचारी किसी अन्य फर्म से उपनियम 3 के उपबंधों के अधीन उपहार स्वीकार कर सकता है। अगला नियम 13A दहेज से संबंधित है। इस नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी न तो दहेज देगा न लेगा और न ही दहेज देने या लेने को बढ़ावा देगा एवं वर या वधु के माता पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज नहीं मांगेगा। इस नियम के प्रयोजन से दहेज शब्द का अर्थ वही है जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में दिया गया है। अगला नियम 14, सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन के बारे में है। इसके अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई अभिनंदन या विदाई भाषण या कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं करेगा एवं सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किसी बैठक या सत्कार कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। परंतु इस नियम में उल्लेखित कोई भी बात इनके संबंध में लागू नहीं होगी, जैसे पूर्णतः निजी और अनौपचारिक प्रकार के विदाई समारोह जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर या स्थानांतरण होने पर उसके सम्मान में आयोजित किया गया हो या सार्वजनिक निकायों या संस्थानों द्वारा आयोजित सामान्य प्रकार के और मनोरंजन कार्यक्रमों में शामिल होने की स्वीकृति होगी। अगला नियम 15, शासकीय सेवकों द्वारा निजी व्यापार या रोजगार के संबंध में है। कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा। किसी अन्य रोजगार के लिए समझौता या वचनबद्ध
नहीं करेगा, किसी भी निकाय में चुनाव नहीं लड़ेगा, किसी पारिवारिक सदस्य अथवा अन्य उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करेगा, अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व वाली बीमा या कमीशन एजेंसी की सहायता के लिए भी प्रचार नहीं करेगा। उपनियम 2 यह कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अवैतनिक धार्मिक या सामाजिक कार्य कर सकता है, एक शौकिया के रूप में खेल में हिस्सा ले सकता है। इसी प्रकार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किसी साहित्यिक वैज्ञानिक अथवा धर्मार्थ समिति में भी भाग ले सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए गठित सहकारी समिति के पंजीकरण विकास अथवा प्रबंधन में बिना अनुमति के भाग ले सकता है, बशर्ते इन कार्यकलापों का उनकी सरकारी ड्यूटी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। यदि सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य व्यापार या व्यवसाय करता है या किसी बीमा या कमीशन एजेंसी का मालिक या प्रबंधक हो तो उस सरकारी कर्मचारी को इस बात की सूचना सरकार को उपनियम 3 के तहत देनी हो। अगले उपनियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी विहित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किसी निजी या सरकारी निकाय या व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य किसी भी कार्य के लिए कोई शुल्क स्वीकार नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं नियम 15A की, जो कि सरकारी आवास के सबलेटिंग एवं वैकेशन के बारे में। कोई भी कर्मचारी उसे आवंटित सरकारी आवास को किसी अन्य व्यक्ति को लीज पर, किराए पर या अन्य उपयोग हेतु नहीं देगा। सरकारी कर्मचारी अपना आवंटन रद्द होने पर सरकारी आवास को आवंटन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में खाली कर देगा। सरकारी कर्मचारी द्वारा जरा से फायदे के लिए मकान को उप किराए पर देना घोर कदाचार है। इसके लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आइए अब हम आचरण नियम 10 से 15 तक से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेते हैं। जैसे, क्या सरकारी कर्मचारी समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को सूचना दे सकता है? नियम 11 के अनुसार समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों से मिलने और उन्हें सूचना देने की अनुमति केवल माननीय मंत्रियों, सचिवों तथा विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारियों को ही है। विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी यदि समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों से मिलता है तो उसे तुरंत चर्चा के सारांश को अपने संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव को प्रस्तुत करना होगा। अगला प्रश्न, क्या सरकारी कर्मचारी अपने विवाह के अवसर पर अपने संबंधियों और मित्रों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं? सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने विवाह के अवसर पर संबंधियों और निजी मित्रों से नकद, गहने, कपड़े या अन्य वस्तुओं के रूप में उपहार स्वीकार करने को छोड़कर अन्यथा उपहार स्वीकार करने पर आचरण नियमावली के नियम 13 का उपनियम 2 लागू होगा, जबकि अन्य व्यक्तियों से ऐसे उपहार प्राप्त करने पर उपनियम 3 लागू होगा। अगला प्रश्न, क्या किसी सरकारी कर्मचारी के विदाई समारोह के लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं? सरकारी कर्मचारी के सम्मान में आयोजित किए जाने वाले किसी भी प्रकार के विदाई समारोह के लिए चंदा इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी पर चंदा देने के मामले में कोई दबाव या प्रभाव डालना सख्त मना है। अब मैं आगे के नियमों की जानकारी हेतु श्रीमती हर्षिता गुप्ता को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, अब हम जानते हैं आचरण नियमावली के नियम 16 से नियम 19 के बारे में। नियम 16 सरकारी कर्मचारी के पूंजी निवेश, उधार लेने और उधार देने से संबंधित है। नियम 16(1) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार का सट्टा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, चाहे वह स्टॉक, शेयर या किसी अन्य निवेश से संबंधित हो। यहाँ सट्टे से अभिप्राय बार बार शेयर और प्रतिभूतियों या अन्य निवेश को खरीदना, बेचना या दोनों काम करने से है। नियम 16(2) के अंतर्गत
सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके सरकारी कर्तव्य के निर्वहन को सुचारू रूप से किया जाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसके द्वारा ऐसे किसी भी निवेश को प्रतिबंधित किया गया है जिसके कारण उसके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रभाव पड़ता हो। नियम 16(3) में यह बताया गया है कि कोई भी लेन देन उपनियम 1 या 2 के अंतर्गत आता है या नहीं, इस मामले में सरकार का निर्णय अंतिम होगा। नियम 16(4) के अनुसार वित्तीय आवश्यकता के समय सरकारी कर्मचारी किसी रिश्तेदार या निजी मित्र को केवल अस्थायी तौर पर बिना ब्याज के थोड़ी राशि उधार दे या ले सकता है, किंतु वह किसी भी अन्य व्यक्ति को ब्याज पर या अन्य किसी ढंग से रुपया उधार नहीं देगा जिसकी वापसी पर धन या वस्तु की वसूली हो। साथ ही किसी सरकारी कर्मचारी का किसी बैंक या कंपनी से यदि सरकारी तौर पर संबंध है तो उसे सामान्य कार्य व्यवहार के अलावा अन्य कोई वित्तीय लेन देन नहीं करेगा। नियम 17 सरकारी कर्मचारी के दिवालियापन और आदतन कर्जदारी से संबंधित है, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारी को दिवालिया या कर्जदार होने की स्थिति में इसकी सूचना तत्काल सरकार को प्रदान करनी चाहिए। साथ ही उसे ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचना चाहिए जिससे वह बार बार कर्जदार या दिवालिया हो सकता हो। इस संबंध में यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह साबित करने की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी पर होगी कि दिवालियापन या कर्जदारी ऐसी परिस्थिति के कारण हुई है जिसका अनुमान सामान्य परिश्रम करने के बावजूद सरकारी कर्मचारी नहीं लगा सका था या उन पर उसका नियंत्रण नहीं था। आइए अब हम जानते हैं नियम 18 के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। नियम 18 चल अचल और मूल्यवान संपत्ति से संबंधित है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अचल संपत्ति से तात्पर्य ऐसी संपत्ति से है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, जैसे मकान, जमीन, फ्लैट्स इत्यादि। चल संपत्ति से तात्पर्य ऐसी संपत्ति से है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जैसे जवाहरात, बीमा पॉलिसीज, शेयर्स, प्रतिभूतियां, डिबेंचर्स, सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए कर्ज, चाहे वह प्रतिभूतियां हो या ना हो, मोटर कार, मोटरसाइकिल, घोड़े की सवारी या अन्य कोई साधन, रेफ्रिजरेटर्स, रेडियो, टेलीविजन सेट इत्यादि। परंतु इस विषय में प्रायः ये देखने में आया है कि सरकारी कर्मचारी चल संपत्ति के नाम पर केवल सवारी वाहनों के बारे में ही सूचित करते हैं और अन्य संपत्तियों की सूचना नहीं देते हैं, जो कि देनी चाहिए। चल और अचल संपत्ति के बारे में जानने के बाद अब हम चल और अचल संपत्ति के व्यवहार से संबंधित नियमों के बारे में जानते हैं। नियम 18(1) के अनुसार जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में पहली बार पद ग्रहण करता है तो उसे उसकी परिसंपत्तियों व देनदारियों के विषय में सरकार को निर्धारित प्रारूप में सूचित करना होता है। साथ ही ग्रुप क और ख के सभी कर्मचारी व अधिकारी प्रतिविश अचल संपत्ति का संपूर्ण ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में विभाग को प्रस्तुत करते हैं। इस ब्यौरे में सरकारी कर्मचारी को संपूर्ण वर्ष में विरासत में प्राप्त या अपनी स्वयं की निजी अचल संपत्ति या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर किसी भी रूप में प्राप्त की गई अचल संपत्ति के बारे में पूरा ब्यौरा देना होता है। उपनियम 2 अचल संपत्ति की सूचना देने से संबंधित है। सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वह अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन देन करने से पूर्व इसकी सूचना निर्धारित प्राधिकारी को दे, चाहे वह उसके अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो जिसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा अर्जित धन का उपयोग हो रहा हो। इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति जो कि सरकारी कर्मचारी से सरकारी तौर पर संबंधित हो के साथ अचल संपत्ति के क्रय विक्रय हेतु निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। उपनियम 18(3) चल संपत्ति की सूचना देने से संबंधित है। इस नियम के अनुसार
यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में चल संपत्ति का कोई भी लेन देन करता है और यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य सरकारी कर्मचारी के 2 माह के मूल वेतन से अधिक है तो वह लेन देन की तारीख से 1 माह के भीतर ऐसे लेन देन की सूचना विनिर्देश प्राधिकारी को देगा। किंतु ऐसे व्यक्ति जो कि सरकारी कर्मचारी से सरकारी तौर पर संबंधित हो के साथ चल संपत्ति से संबंधित व्यवहार करने हेतु निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। नियम 18(4) के अनुसार यदि सरकार चाहे तो वह किसी भी सरकारी कर्मचारी से किसी भी अवधि के भीतर उसके द्वारा धारित तथा अर्जित चल व अचल संपत्ति तथा उससे संबंधित स्रोतों का विवरण प्रस्तुत करने के आदेश दे सकती है। नियम 18(5) नियम 18 में दी गई छूट से संबंधित है। इस नियम के अनुसार ग्रुप ग के सरकारी कर्मचारियों को इन नियमों के उपबंधों में छूट केवल मंत्रिमंडल सचिवालय कार्मिक विभाग अर्थात कैबिनेट सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की सहमति से ही दी जा सकती है, किंतु उपनियम 4 से किसी भी कर्मचारी को कोई छूट प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। नियम 18 का भारत के बाहर अचल संपत्ति का अर्जन तथा विदेशियों के साथ लेन देन पर प्रतिबंध से संबंधित है, जिसके अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही विदेश में अचल संपत्ति के अर्जन या विक्रय से संबंधित कार्य व्यवहार कर सकता है, चाहे वे भारत से बाहर उसके अपने नाम या परिवार के सदस्य के नाम पर कोई भी अचल संपत्ति खरीदने या अन्यथा अर्जित करने से हो या भारत के बाहर स्थित कोई भी अचल संपत्ति जो कि उसने अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम हो को किसी भी प्रकार से बेचने या निपटान करने से संबंधित हो। साथ ही वह किसी भी विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार, विदेशी संगठन या संस्था से ऐसा कोई भी लेन देन नहीं करेगा जो कि किसी भी अचल संपत्ति के खरीदने अर्थात अधिग्रहण से संबंधित हो, चाहे वह उसके स्वयं के नाम से हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से हो, या फिर ऐसी अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित हो जो कि उसने पूर्व में प्राप्त की थी या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर थी। नियम 19 सरकारी कर्मचारी के कार्यकलापों और चरित्र को वैध ठहराने से संबंधित है। कोई भी कर्मचारी आलोचनात्मक या मानहानिकारक प्रकृति के कार्य के समर्थन के लिए सरकार की पूर्व अनुमति से ही अदालत या प्रेस का सहारा ले सकता है। इस संबंध में यदि संबंधित कार्मिक के प्रार्थना पत्र देने के 3 माह के उपरांत भी कोई उत्तर या स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जा सकता है कि चाही गई अनुमति उसे दे दी गई है, किंतु यह नियम किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके अपने निजी आचरण या निजी तौर पर किए गए किसी काम का पक्ष पोषण करने से नहीं रोक सकता। इस संबंध में उसे उस कार्यवाही के बारे में वित्त अधिकारी के पास एक रिपोर्ट भेजनी होती है। अभी जिन नियमों की अर्थात नियम 16 से 19 की व्याख्या की गई है उनके संबंध में अक्सर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या स्टॉक्स, शेयर्स या डिबेंचर्स में निवेश करने के संबंध में कोई सीमा निर्धारित की गई है। DOPT के 7 फरवरी 2019 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार सरकारी कर्मचारी अधिकृत ब्रोकर्स या एजेंट्स के द्वारा यदा कदा निवेश कर सकता है। कर्मचारियों द्वारा किए गए निवेश पर नजर रखे जाने के लिए उक्तोयम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए टोटल ट्रांजैक्शंस कर्मचारी के 6 माह के मूल वेतन से अधिक हो तो इसकी सूचना निर्धारित फॉर्म में प्रशासनिक अधिकारी को अगले वर्ष की 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि चूंकि शेयर्स और डिबेंचर्स आदि चल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, अतः इस संबंध में 18(3) के अनुसार निर्धारित प्राधिकारी को सूचना देना अनिवार्य है। यह सूचना उक्त वार्षिक सूचना के अधिक होगी। कई बार यह भी प्रश्न उठता है कि चल संपत्ति
जिसके लिए विभाग को सूचना देना आवश्यक है, उसका मूल्य निर्धारण कैसे होगा। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक समय पर एक स्थान से खरीदे गए सभी सामान जिसका भुगतान एक ही बिल से किया गया है और उस बिल की राशि सरकारी कर्मचारी के 2 माह के मूल वेतन से अधिक है तो इसे एक ही लेन देन माना जाएगा, चाहे वह अलग अलग मदों से संबंधित क्यों ना हो, और इस संबंध में विभाग को 1 माह के भीतर उचित सूचना देनी आवश्यक है। अब प्रश्न है कि क्या सरकारी कर्मचारी के पति पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए चल या अचल संपत्ति के लेन देन की सूचना विभाग को देना अनिवार्य है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी के आश्रितों की निधियों से किए गए सभी लेन देन इस बात पर ध्यान दिए बिना कि किसके नाम पर लेन देन किया गया है नियम 18 के अंतर्गत आएगा, किंतु सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनकी पूर्णतः निजी निधि जैसे कि स्त्रीधन, उपहार या विरासत में प्राप्त धन से किए गए लेन देन को सरकारी कर्मचारी की निधि या निजी अधिकार से किए गए लेन देन से अलग माना जाएगा और उस पर नियम 18 के उपबंध 2 व 3 लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार आईपीआर से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आईपीआर किसे और कब देनी होती है। सभी ग्रुप क तथा ख अधिकारियों द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष से संबंधित आईपीआर अगले वर्ष की 31 जनवरी तक उनके नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि चल अचल और मूल्यवान संपत्ति की जो सूचना देते हैं तथा आईपीआर दाखिल करते हैं उसका क्या औचित्य है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि दाखिल की गई आईपीआर की उचित जांच करने के उपरांत यह जानने की कोशिश की जाती है कि अधिग्रहित संपत्तियां आय के ज्ञात स्रोतों के समानुपात में हैं या नहीं तथा संबंधित आचरण नियमों का पालन किया गया है या नहीं। यदि इस विषय में नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि आईपीआर के संबंध में उचित नियमों का पालन नहीं किया गया है या नियमों का उल्लंघन किया गया है तथा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है तो नियंत्रण प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह संबंधित कर्मचारी पर उचित दंड की कार्यवाही कर सकता है। अगला प्रश्न है कि क्या सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा या सेवा की शर्तों से संबंधित शिकायतों को दूर करवाने के लिए अदालत की शरण ले सकता है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वह पहले सभी सरकारी माध्यमों के द्वारा अपनी सेवा संबंधी मांग रखे और वहां मांग पूरी ना होने पर ही मामले को अदालत की शरण में लेकर जाए। धन्यवाद। अब आगे के नियमों के लिए मैं श्रीमती प्रिया को आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार, तो चलिए शुरुआत करते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के नियम संख्या 20 से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। कभी कभी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा हितों के लिए गैर सरकारी या अन्य बाहरी प्रभावशाली व्यक्तियों जैसे कि माननीय मंत्रियों, सचिव, संसद सदस्यों इत्यादि के द्वारा विभाग के उच्च प्राधिकारियों पर अप्रोच लगाते हैं या लगाने का प्रयास करते हैं। यह नियम इसी संबंध में है। इस नियम के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी नौकरी संबंधी मामलों जैसे कि भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरण, किसी विशेष पद पर नियुक्ति, अधिक्रमण अर्थात सुपर सेशन के मामलों की शिकायतें, प्रतिकूल टिप्पणी के रिमूवल, बिना बारी के सरकारी आवास के आवंटन इत्यादि किसी भी काम के लिए विभाग के उच्च प्राधिकारियों पर राजनैतिक या किसी दूसरे प्रकार का दबाव नहीं डलवाएगा या डलवाने की कोशिश भी नहीं करेगा। अगला नियम 21 विवाह संबंधी प्रतिबंध है। इसके अंतर्गत 3 उपनियम हैं। पहला यह है कि अगर किसी व्यक्ति का जीवन साथी जीवित है तो सरकारी कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता है, और दूसरा यह है कि यदि सरकारी कर्मचारी का स्वयं का जीवन साथी जीवित है तो
तो भी वह किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता है। यहाँ जीवन साथी से अभिप्राय सरकारी कर्मचारी के वैधानिक पति या पत्नी से है। इसके अलावा यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी विदेशी अर्थात पर्सन देन अदर देन इंडियन नेशनलिटी से विवाह कर चुका है या करता है तो इसके बारे में सरकार को सूचना देना अनिवार्य है। सरकारी सेवा में आए प्रत्येक नए कर्मचारी से नियुक्ति के दौरान निर्धारित प्रोफार्मा में विवाह संबंधी एक घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जाता है। लेकिन यदि केंद्र सरकार इन बातों से संतुष्ट हो जाए तो वह उस सरकारी कर्मचारी को नियम 21 के खंड 1 और 2 में बताए गए विवाह करने की अनुमति दे सकती है। पहला यह है कि सरकारी कर्मचारी और विवाह करने के लिए इच्छुक दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत ऐसा विवाह करने की अनुमति हो, और दूसरा यह है कि ऐसा करने के पीछे कोई दूसरा कारण हो। सीसीएस कंडक्ट रूल का अगला नियम 22 शराब और नशीली दवाओं के सेवन के संबंध में है। शराब और नशीली दवाओं के संबंध में अलग अलग जगह पर अलग अलग कानून लागू है। सरकारी कर्मचारी जिस भी जगह पर है वह उस जगह पर शराब और नशीली दवाओं के संबंध में जो भी नियम लागू हैं वह उन नियमों का दृढ़ता से पालन करेगा। सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान शराब या नशीली दवाओं का सेवन नहीं करेंगे और इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इससे उनके काम पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। आगे, सरकारी कर्मचारी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन नहीं करेंगे, किसी सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में भी उपस्थित नहीं होंगे और कभी भी शराब या नशीली दवाओं का अत्यधिक मात्रा में उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ सार्वजनिक स्थान से अभिप्राय किसी ऐसे स्थान या इमारत से है जहाँ लोग उपस्थित हों या आते जाते हों। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से यह उम्मीद की जाती है कि वो नियम 22 के उपबंधों का दृढ़ता से पालन करेगा। इस नियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करना सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कारण होगा। किसी होटल के रिहायशी कमरे में बैठकर मद्यपान करना नियम 22 के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन बार या रेस्टोरेंट जहां लोग आते जाते हों में बैठकर मद्यपान करना इस नियम के खिलाफ होगा। अगला नियम है 22 का, जो कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने संबंधी प्रतिबंध है। इस नियम को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 14 अक्टूबर 1999 के ज्ञापन संख्या के द्वारा सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 में शामिल किया गया था। इसके अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रखेगा। अगला नियम है नियम 23, जो कि आचरण नियमों की व्याख्या के संबंध में है। इसके अनुसार सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के अभी तक जो भी हमने नियम पढ़े हैं उन नियमों की व्याख्या के बारे में यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो इसे सरकार के पास भेजा जाएगा और उस पर सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी व्यक्तिगत मामले में कठोरता से बचने के लिए भारत सरकार किसी भी नियम में परिशोधन करने, ढील देने या रियायत करने में पूर्णतया समर्थ है। अर्थात कोई नियम लागू होने से यदि किसी मामले में अनावश्यक अन्याय होता है तो भारत सरकार इस मामले में न्याय और नीति संगत ढंग से विचार करने के लिए उस नियम की शर्तों में आवश्यक ढील देने के आदेश दे सकती है। अगला नियम है 24, जो कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स
शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है। इसके अनुसार सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश कर सकती है कि इन नियमों के अंतर्गत स्वयं सरकार या किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग आदेश में दिए अनुसार अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है। सीसीएस कंडक्ट रूल का अंतिम नियम निरसन और व्यावृतियां हैं, रिपील और सेविंग्स हैं। इसके अनुसार सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के आरंभ होने से तुरंत पहले सरकारी कर्मचारियों पर जो भी आचरण नियम लागू थे वह सभी नियम एतद् द्वारा रद्द किए जाते हैं, परंतु यदि इस प्रकार रद्द किए गए नियमों के अंतर्गत कोई आदेश दिया जा चुका है या कोई कार्यवाही की जा चुकी है तो उन्हें इन नियमों के तहत दिया गया ही समझा जाएगा। दूसरा यह कि इन नियमों के रद्द करने से पहले पूर्व में लागू नियमों के अनुसार किए गए काम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उक्त किसी भी नियम के उल्लंघन को इन नियमों का उल्लंघन मानकर ही दंड दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं आचरण नियम 20 से 25 में क्या क्या प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या सरकारी कर्मचारी के संबंधी उसकी सेवा संबंधी किसी भी मामले में अभ्यावेदन कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी के संबंधियों द्वारा उस कर्मचारी के सेवा संबंधी मामलों के बारे में अभ्यावेदन करना पूर्णतया गलत है एवं नियम 20 के उपबंधों का उल्लंघन है। परंतु यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए या वह अपंग हो, मतलब जब उसके लिए स्वयं अभ्यावेदन भेजना असंभव हो, ऐसे समय में संबंधी अभ्यावेदन कर सकते हैं। संबंधियों द्वारा किए जाने वाले सेवा संबंधी अभ्यावेदनों को रोकने के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा 19 सितंबर 1963 को एक ज्ञापन भी जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, क्या सरकारी कर्मचारी को सेवा संबंधी किसी भी मामले में अभ्यावेदन या अभ्यावेदन की अग्रिम प्रति सीधे उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित करनी चाहिए? हाल ही में यह पाया गया है कि विभिन्न स्तरों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी निर्धारित माध्यमों की उपेक्षा कर सीधे उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रेषित कर देते हैं। यह प्रैक्टिस गलत है। सरकारी कर्मचारी को अपने सेवा संबंधी मामलों में अभ्यावेदन हमेशा उचित माध्यम से ही अग्रेषित करना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को कोई शिकायत है तो उसे सबसे पहले अपने से तत्काल वरिष्ठ अधिकारी अथवा अपने कार्यालय अध्यक्ष या फिर मामले पर कार्यवाही करने में सक्षम निम्नतम अधिकारी को अभ्यावेदन संबोधित करना चाहिए। सेवा संबंधी मामलों में उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन की अग्रिम प्रति भेजना भी आपत्तिजनक होता है। उच्च अधिकारियों को तब तक अग्रिम प्रति नहीं प्रेषित की जाने चाहिए जब तक कि उपयुक्त निम्न अधिकारी ने दावे को अस्वीकार न कर दिया हो, राहत देने से मना कर दिया हो या फिर मामले के निपटान में अनावश्यक विलंब किया हो। अगला प्रश्न है, क्या सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी से जुड़े किसी भी मामले में बाहरी व्यक्तियों को अभ्यावेदन प्रेषित करने चाहिए? कभी कभी सरकारी कर्मचारी अपने अभ्यावेदन की प्रतियां सीधे ही बाहरी अधिकारियों जैसे कि माननीय मंत्रियों, सचिव, संसद सदस्य जो कि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित भी नहीं है उन्हें भी भेज देते हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है और कार्यालय मर्यादा के प्रतिकूल है। कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे चलन से दूर रहें। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के अभ्यावेदनों के निपटान के लिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तारीख 20 दिसंबर 1968 के कार्यालय ज्ञापन में विभिन्न प्रकार के अभ्यावेदनों के निपटान के लिए
समय सीमा निर्धारित की गई है। सामान्यतया सेवा संबंधी मामलों में 1 माह के भीतर शिकायत का निपटान कर आवेदनकर्ता को जवाब देना होता है, परंतु यदि पहले से ही पता हो कि किसी अपील का या याचिका का उसे प्रस्तुत करने के 1 माह के भीतर निपटान नहीं किया जा सकता है, तो संबंधित व्यक्ति को 1 माह के भीतर पावती या अंतरिम उत्तर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।